दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आप सभी छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 2021 में पास होने के लिए हर विषय में छात्रों को कितना परसेंट लाना होगा। अगर आप सभी छात्र वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं एक एक जानकारी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र वीडियो को लास्ट जरूर देखोगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और साथ में हम आप सभी को यह भी बताएंगे कि बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या होली के पहले आप सभी का रिजल्ट आ सकता है, ताकि आप धूमधाम से अपना पर्व मनाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है बिहार बोर्ड इंटर आंसर की 2021 जारी, जानिए कब आएगा रिजल्ट, ठीक है। यानी कि बिहार बोर्ड इंटर का जो मतलब कि आंसर की जारी बिहार बोर्ड ने किया है, कल का जारी कर दिया है। आप लोग जाकर वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं कि आपका कितना मतलब कि नंबर का ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड ने आंसर की अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, वो सिर्फ 16 मार्च तक अवेलेबल रहेगा अपने मतलब वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस वेबसाइट पर जारी किया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों साफ लिखा गया कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने BSEB बोर्ड 12th ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए बिहार बोर्ड इंटर आंसर की 2021 जारी कर दी है। जो कैंडिडेट फरवरी में हुए बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की एग्जाम के लिए उपस्थित हुए वे आंसर की चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही ऑब्जेक्टिव भी दर्ज कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट भी हो तो आप लोग उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और आपका वेबसाइट आंसर की का वेबसाइट क्या है, biharboardonline.bihar.government.in पर जारी की गई है। स्टूडेंट 16 मार्च 2021 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को पोर्टल पर लॉग इन कर रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट और आंसर की देखने की होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आगे की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया बिहार बोर्ड इंटर आंसर की 2021 ऐसे चेक करें और दर्ज करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, biharboardonline.bihar.go.in पर जाएं, BSEB बिहार बोर्ड इंटर आंसर की 2021 पर क्लिक करें, ठीक है। और दोस्तों आगे लिखा गया है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, उसमें आपको क्या करना होगा, एक न्यू विंडो खुलेगी जिसमें आप लोगों को रोल कोड, रोल नंबर और इंटर 12th के सिलेक्ट करके आप लोगों को सबमिट कर देना है। आंसर शीट और आंसर की स्क्रीन पर खुलेगी, जिन सवालों को चैलेंज करना चाहते हैं तो उन्हें सेलेक्ट करें, जो सवाल चैलेंज करने के लिए उन्हें रिपीट करें, फीस पे करें और सबमिट कर दें, ठीक है। और दोस्तों आगे जानकारी यहाँ पर देख लीजिए, छात्रों को सलाह है कि वे ऑब्जेक्शन और रिस्पॉन्स शीट की एक कॉपी अपने पास रखें, ठीक है, एक कॉपी अपने पास रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं कि आप सभी का रिजल्ट कितना परसेंट बनेगा हर विषय में, ताकि आप पास हो जाओगे, ठीक है। BSEB 12th रिजल्ट 2021 आपत्तियों दर्ज होने के बाद फाइनल आंसर की जारी होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप सभी को अंदाज के अनुसार आप सभी को बता दूं कि 16 तारीख तक आपके वेबसाइट पर आंसर की अवेलेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद से जो मतलब कि छात्र मतलब कि उसका आपत्ति दर्ज किए होंगे उनके लिए सुनवाई 2 या 3 दिन में होगी, उसके बाद आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट को बिहार बोर्ड में पास होने के लिए 30% थ्योरी और 40% प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर लाने होंगे, ठीक है। कितना परसेंट, 30% थ्योरी चाहिए और 40% प्रैक्टिकल एग्जाम चाहिए, ठीक है, तभी वो हर विषय में पास हो पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आगे दोस्तों लिखा गया, ध्यान से देखिए, रिजल्ट मार्च के आखिरी में जारी होने की उम्मीद है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की एग्जाम 2021 1 से 13 फरवरी तक आयोजित की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से जुड़े हर एक ताज़ा खबर, छोटा हो खबर हो या फिर बड़ा खबर हो, मैं आपको डेली पहुँचाते रहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि बिहार बोर्ड की तरफ से अगर छोटा भी कोई खबर मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचा दे, ताकि आप उसे फटाक से देख लें और उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है।